1100 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ईडी ने तीसरा नोटिस भेजा है। नीरव मोदी को 26 फरवरी तक हाजिर होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी दो बार ईडी ने नीरव मोदी को समन भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। और इसके बाद अब तीसरी बार नोटिस भेजने के बाद भी अगर नीरव मोदी हाजिर नहीं होता है तो उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नीरव मोदी पर ईडी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। तीसरा समन यहां पर नीरव मोदी को भेजा गया है और 26 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए गए। हमारे सहयोगी रुमानुल्ला खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुमान, शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, दो समन में हाजिर नहीं हुआ, तीसरा समन और उसके बाद प्रत्यर्पण की कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल, ये तीसरा समन जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नीरव मोदी को 26 फरवरी को मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में हाजिर होने का आदेश इस समन के जरिए दिया गया है। इससे पहले दो समन दिए गए थे। जो दूसरा समन था उसमें 22 फरवरी यानी कल हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन नीरव मोदी ने, जैसा सूत्र बता रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखी है जिसमें हवाला दिया गया है कि उनका पासपोर्ट सस्पेंड है, इसलिए वो इस संबंध को तामील नहीं कर पा रहे हैं और भारत नहीं आ पा रहे हैं। नीरव मोदी ने ये कहा है कि उसका पासपोर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो भारत वापस नहीं आ सकता, लेकिन ईडी ने साफ कर दिया है कि अगर तीसरा समन भेजे जाने के बाद भी 26 फरवरी को नीरव मोदी पेश नहीं होता तो उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जाए।